हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने अब गठबंधन में ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले बीजेपी और जेजेपी ने अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन राज्य सरकार चला रहे दोनों दल निकाय चुनाव में ही एक साथ आ गए। बीजेपी की राज्य यूनिट के अध्यक्ष ओपी धनखड़ और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने गठबंधन का ऐलान किया। ओपी धनखड़ ने कहा कि दोनों दलों की ओर से उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की जाएगी। धनखड़ ने आगे कहा, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी 4 काउंसिलिंग में चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 14 काउंसिल पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। जेजेपी के हिस्से में टोहाना, नरवाना, मंडी, डब्वाली और नूह आए हैं। बीजेपी की ओर से अकेले चुनाव लड़ने के बाद जेजेपी ने 8 काउंसिल में अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब जेजेपी अपने उम्मीदवारों का नाम वापस लेगी। जेजेपी का कहना है कि वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं और राज्य का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। इससे पहले जननायक जनता पार्टी के प्रमुख अजय चौटाला की ओर से बीजेपी के साथ मिलकर ही निकाय चुनाव लड़ने की इच्छा जताई गई थी। अजय चौटाला की जेजेपी के समर्थन से ही राज्य में बीजेपी की सरकार चल रही है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन होने के बाद विपक्षी दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। कांग्रेस हालांकि बिना सिंबल के ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, वहीं आम आदमी पार्टी सभी काउंसिल में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें।